लोको एनर्जाइज करने के बाद हमें डीडीयू में ट्रेन आईडी और पायलट आईडी के साथ कितना लोड हम लेके जा रहे हैं उसका एंट्री, प्लस कितना वैगन्स हम लेके जा रहे हैं उसके एंट्री करना है। तो उसके लिए ट्रेन आईडी या पायलट आईडी पे जैसे ही टच करेंगे हमारा ये पेज खुलेगा जिसमें ट्रेन आईडी, पायलट आईडी, मैक्सिमम स्पीड, एक्सेल लोड, हॉलिंग लोड, नंबर ऑफ वैगन, वेट ऑफ ट्रेन, ये हमें दिखाई देगा। इसके हिसाब से अभी एक आईडी ट्रेन आईडी डाला है लेकिन हमें अभी दूसरा डालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 डिजिट का हम ट्रेन आईडी डाल सकते हैं और ट्रेन आईडी के लिए जो कोडेड ट्रेन आईडी है उसमें 8 डिजिट का हमने ट्रेन आईडी इसमें एंटर कर दिया है और एंटर का बटन दबाते ही हमारा जो हमने एक रिसेंट जो डाला है वो ट्रेन आईडी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे एंटर हो गया, कंफर्म हो गया। इसके बाद डालेंगे लोको पायलट आईडी। लोको पायलट आईडी हमारा 10 डिजिट तक हम इसमें डाल सकते हैं। 3 शुरू में 0 डालेंगे क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो लोको पायलट आईडी है वो हमारा 7 डिजिट का है। 3 डिजिट में क्रू लोबी का कोड और 4 डिजिट का हमारा लोको पायलट आईडी। एग्जाम्पल लेते हैं सहारनपुर का, SRE सहारनपुर का कोड और 1456 हमारा लोको पायलट का आईडी और एंटर करते हैं तो हमारे पास 000 SRE 1456 हमारा दोनों जगह कंफर्म हो गया, एंटर हो गया। इसके बाद हम डालते हैं हॉलिंग लोड, कितना लोड हम लेके जा रहे हैं। हम लोड लेके जा रहे हैं 6530 0 6530, यानी कि 6530 टन लोड हम लेके जा रहे हैं। हमने उसको एंटर किया तो हमारे पास 6530 टन का लोड हो गया। इस तरह से आपका जो भी लोड लेके जा रहे हैं जितना लोड हम पीछे कैरी करेंगे वो लोड का इसमें एंट्री करेंगे। साथ ही नंबर ऑफ वैगन मैक्सिमम 99 तक इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करते हैं 59 वैगन हमने ऐड कर दिया, ये हमारा डाटा एंटर हो गया है। अभी ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये डाटा आप एंटर नहीं करते हैं ट्रिप के शुरुआत में तो BPCS, ये हमारा BPCS कॉन्स्टेंट स्पीड मोड या BPCS बटन काम नहीं करेगा और लोको हमारा कॉन्स्टेंट स्पीड मोड में चलेगा नहीं। कॉन्स्टेंट स्पीड मोड तभी एक्टिव होगा जब हम ये सारी एंट्री करेंगे, जो लोड की प्रॉपर एंट्री करने के बाद ही हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं हमारा BPCS को।